कंक्लूजन क्वेश्चन है हमारे पास 17, उससे सारी थर्ड चल रही है। इसका 17 क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या कहता है कि 3.17 है, इसमें क्या कहता है कि आपके पास अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ तीन नंबर हैं, यानी कि एन हमारा आ गया 3। तीन नंबर का अरिथमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 18 है। और फिर नेक्स्ट उसने एक और मेन चीज़ बता दी हमें, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट टू नंबर क्या है, 9 है। अभी फर्स्ट करें अज्यूम या लेट थ्री नंबर्स आर ए बी एंड सी, फर्ज करें ये तीनों नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका अरिथमेटिक मीन क्या है 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 18 है। अभी हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन को इधर रखेंगे और ज्योमेट्रिक मीन को इधर रखेंगे, क्या होता है हमारे पास समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, इनका सम लेंगे जिस तरह हमने इससे पहला क्वेश्चन किया। अगर आप लोगों ने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन नंबर 16 की, इसी एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन नहीं देखा तो उसके बगैर आप लोगों को इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाली, उसको आपने लाजमी देखना है। दूसरे नंबर पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर के रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी समीशन ऑफ एक्स यानी कि जितने एक्स हैं, एक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 हैं ए बी एंड सी, ठीक है, इनका सम लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय एन, एन नंबर्स ऑफ वैल्यू कितने हैं 3 है। इससे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। आपके पास 1 हो ये हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। उम्मीद आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी क्वेश्चन नंबर 16 की, उसकी नहीं देखी तो अभी तक लाजमी देख लें। इसके अलावा रूट एन नंबर ऑफ वैल्यू कितनी, 3 है, 3 लाजमी लिखना है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, वो इंडेक्स होता है चल जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि सी एक नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 लिखें ना लिखें चल जाता है। और इसी तरह रूट एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन भी था, उसने कहा था जो 2 है वो इंडेक्स होता है, इसी वजह से 2 नहीं लिखा जाता, स्क्वायर रूट की वजह से वो चल जाता है, लेकिन क्यूब रूट में 3 लिखना लाजमी होता है, 3 लाजमी लिखेंगे। इसका हम ले लेते हैं क्यूब रूट, ले लेते हैं क्यूब रूट है तो इसका हम इसकी पावर 3 ले लेते हैं, टेक क्यूब, टेक का इसकी पावर 3 ले देते हैं, पावर 3 लेंगे तो क्या होगा, कैसे लेंगे, 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें या पावर ले लें, पावर कैसे लेनी है, मीन मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया था, पता चल गया होगा, 18 लिखना है, उसके बाद आपने पावर वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है, उसके बाद आपने इसकी 3 पावर लिख देनी, एंटर करता हूँ मैं तो ये आ रहा है 5832, ये 0.00 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को फिक्स कर रखा है, आपके पास ये नहीं आ रहा होगा अगर फिक्स नहीं किया हो। 5832 लिखता हूँ,
ये वैसे 0-0 आ रहे। फिर नेक्स्ट उसने देखे, उसने कहा फर्स्ट टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना है, फर्स्ट टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन आ गई है, क्वेश्चन टू कह देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट टू नंबर्स कौन से हैं, ए बी, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 9 है। अभी क्या करेंगे, इसका स्केयर लें, दोनों साइड से टेक स्केयर, स्केयर लेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय बी आ जाएगा और 9 का स्केयर लेंगे 81 आ जाएगा। ए बी कितना आ गया, 81। अभी हम क्या कर सकते हैं, ए बी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ए बी यहाँ पर पुट करेंगे, पुट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 81, ए मल्टीप्लाई बी 81 हो गया, मल्टीप्लाई बाय सी ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 5832 डिवाइड बाय 81, ये मेरे पास आ रही है 72। सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 72, इसका मतलब एक आ गया हमारे पास, सी आ चुका है। सी की वैल्यू अभी हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। Put C is equal to 72. So put करते हैं इसमें A plus B plus C कितना 72 is equal to 102. A plus B ये 72 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 102 में से 72 माइनस करेंगे तो 30 रह जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन हम कह लेते हैं ये कौन सी बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखें दो नंबर्स ये आ गए हमारे पास, इसका ए प्लस बी आ गया है और इसी तरह सी की वैल्यू भी बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू रह चुकी है। अभी हम इसको नीचे कर लेते हैं, सो हमारे पास जगह है या नहीं है ये देख लेते हैं। और बिल्कुल वही हम काम करेंगे जो क्वेश्चन 16 इससे पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, उसमें क्या किया था हमारे पास, हमने a माइनस b बनाया था, वो कैसे बनाया था उम्मीद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लो। a माइनस b किसके इक्वल था, a माइनस b का स्क्वायर इक्वल था a प्लस b माइनस 4ab, ए प्लस बी का स्केयर लेंगे ये कितने 30 का स्केयर और ए बी, ए बी कितना 900 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 41 था 4 एंड 84 था 32। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से स्केयर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसका स्केयर और ये आ जाएगा हमारे पास। आपको थोड़े बहुत स्केयर याद होने चाहिए, जिस तरह 20 का है 400 एंड 21 का है 441 और 22 का है हमारे पास 444 एंड 23 का है 529 है और जो 24 है उसका है 576, आपको 25 तक आने चाहिए।
पॉइंट इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम कह लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन आ गई क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये इसके दो आ जाएंगे क्वेश्चन, एक ए माइनस बी जो है वो आ जाएगी 24 के इक्वल, दूसरी आ जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 24। एक को 4 कह दें, दूसरी को 5 कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ए का और आएगा बी का और आएगा, दोनों को अलग अलग से पुट करने में हम एक ही यूज करेंगे, एक को यूज करते हैं इसके साथ सोल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारा सोल्व कर लिया होगा। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये हमने पहले किया था। इक्वेशन 3 + 4 हमारा 27 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक आंसर आ गया, इसको जिसमें मर्जी पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर कर दें, आपका आंसर डी का भी आ जाएगा। मैं इसको थर्ड में ही पुट कर लेता हूँ, थर्ड में पुट करूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी 27 प्लस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है, और बी आ जाएगा आपके पास 30 - 27 3 आ जाएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू भी आ गई, एक ही भी आ गई, बी की आ गई हमारे पास 3, ए की आ गई 27। हमारे पास ये तीन नंबर्स थे जिनका अरिथमेटिक मीन जो है वो था 34 एंड जियोमेट्रिक मीन था 18। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।